नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैदे से बनाए जाने वाले एकदम अलग तरीके के पापड़, जिसे कि हर कोई बना ले। किन्हीं से भी ये पापड़ जो है खराब नहीं होगा और ना ही आपको पापड़ बनाने के बाद फटने का डर रहेगा और ना ही काला पड़ने का डर रहेगा। आज मैं बना के दिखाती हूँ एकदम अलग तरीके से मसालेदार चटपटा पापड़, वो भी मैदा से। तो फ्रेंड्स, आपको भी यदि बनाने हैं मैदे से पापड़ तो वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, उसके बाद बनाइए। यकीन मानिए, एक बार आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बार बार पापड़ बना के घर में ही रखेंगे। मैदे के पापड़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। यदि आप मैदा नहीं खाते हैं, आपको गेहूं के आटे का पापड़ का रेसिपी चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी। तो आप गेहूं के आटे से भी पापड़ बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैदा किसी भी कप या कटोरा से नाप के लेना है। नाप के नहीं लेंगे तो फिर आपका जो पापड़ है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये छोटे वाले कटोरी से एक कटोरी मैदा ली हूँ और इससे ही हमारा ढेर सारा पापड़ बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि मैदा जो है बहुत ज़्यादा फूलता है, इसकी वजह से इसका पापड़ बहुत ज़्यादा बनता है। तो सबसे पहले हमें मैदा को छान के लेना होगा, नहीं तो इसके अंदर जो गुठली है तो वो कच्चा ही रह जाता है। यदि गांठ गांठ सा पड़ जाएगा पापड़ के अंदर तो वो कच्चा ही रह जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप आटा छानने वाला छन्नी भी ले सकते हैं और इस तरीके का मोटा जाली वाला, आप किसी भी छन्नी से इसको छान लीजिए। सिर्फ इसमें जो गुठली सा है उसे हमें निकाल देना है। देखिए, है ना, गोल गोल सा, तो इसको निकाल देना है। तो आपका पापड़ जो है बहुत ही अच्छा बनेगा और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अभी मैदा हमारा छन के तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले इसमें डालना होगा हमें थोड़ा सा नमक और साथ में डालना होगा पापड़ खार। पापड़ खार या बेकिंग सोडा आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मीठा सोडा जिसे बोलते हैं, जो कि खाना में यूज किया जाता है, उस वो भी आप डालिएगा, लेकिन एक चुटकी से ज़्यादा आपको नहीं डालना है। तो पहले डालना है स्वाद के अनुसार नमक। नमक भी बहुत कम डालिएगा। मैदे के पापड़ में नमक थोड़ा सा कम ही रहेगा ना, तो एकदम बहुत ही इसका अच्छा सा टेस्ट आता है। तो देखिए, नमक इसमें डालती हूँ। अब इसमें पापड़ खार कितना डालना है वो आगे आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पापड़ खार है। पापड़ खार भी नमक के जैसा ही होता है, ये टुकड़ा में होता है, टुकड़ा टुकड़ा होता है। इसे तोड़ने के बाद ना एकदम बिल्कुल नमक के जैसा ही ये हो जाता है। ये पापड़ में स्पेशली डाला जाता है, इससे पापड़ हमारा खस्ता बनता है और पापड़ का जो साइज है वो भी फूल के डबल हो जाता है। तो इसके लिए पापड़ खार आपके पास है तो आप जरूर डालें। यदि पापड़ खार आप डालें, देखिए छोटा कटोरा यानी 100 ग्राम के करीब मैदा है, तो इसके अनुसार से मैं सारे मसाले इसमें ऐड करूंगी। आपको मीठा सोडा डालना है तो मात्र ऐसे करके और एक चुटकी, हल्का चुटकी डालिएगा 100 ग्राम मैदा में, नहीं तो पापड़ जो है इसमें तो खैर काला होने का, लाल होने का आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा। थोड़ा ज़्यादा भी पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे स्वाद भी खराब हो जाता है ज़्यादा मीठा सोडा डालने से। अब दोनों चीज़ को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, तो अब इसके अंदर पहले पानी डालती हूँ, फिर बाकी का सामग्री ऐड करते जाएंगे एक एक करके और आपको भी दिखाते भी जाएंगे। तो इसी वाले कटोरी से मैदा का नाप किया था मैंने, तो इसी कटोरी से हमें इसमें पानी भी डालना होगा। तो दो कटोरी पानी डालने के बाद अब एक बार अच्छे से इसे घोलना है, धीरे धीरे करके एकदम हल्के हाथों से घोले तो इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं पड़ता है। इस तरीके से एकदम हल्के हाथों से मैदा जो है बहुत अच्छा से घुलते चला जाता है। तो पहली बार में आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना, जितना मैदा लिए हैं उसी बर्तन से दो बार पानी डाल दीजिएगा, उसके बाद इसको घोलना है। देखिए, बहुत अच्छे से कम पानी डाल के घोलने से क्या होता है कि हमारा मैदा फूलते भी जाता है साथ साथ में और ये घुल भी जाता है, थोड़ा समय लगता है। तो इस तरीके से आप मिक्स करेंगे ना कम पानी डाल के, तो ये मैदा फूलेगा। मैदा जितना अच्छा से फूलता है उतना ही अच्छा खस्ता पापड़ बनके तैयार होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि होली पास ही आने वाली आ रही है। तो अभी बहुत सारे पापड़ की रेसिपी आने बाकी हैं हमारे चैनल पर, आपको भी बनाने हैं तरह तरह के पापड़ घर बैठे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़े, तभी हमारा दूसरा तीसरा जितना भी मैं वीडियो डालूंगी सारे वीडियो आप देख पाएंगे। तो देखिए अभी जो है मैदे को अच्छे से घोल ली हूँ और इसमें कोई भी अभी काट गुटली सा नहीं दिख रहा है हमें, तो इसमें बाकी का पानी भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ और पानी बाद में इसमें डाला जाएगा। 2 कप पानी डाली थी तो ये लगा के 3 कप और ये 4 कप, 4 कप पानी मैदे के अंदर चला जा चुका है। अब एक बार इसे अच्छे से हमें फिर से मिक्स करना है, उसके बाद इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा हींग। हींग से बहुत अच्छा ये स्वादिष्ट भी होगा और मैदा है तो पचने में भी आसानी होगा। आपको हींग का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं और थोड़ा सा डाल के भी बना सकते हैं। और हींग डालने के बाद इसमें डालना हमें 1/2 चम्मच के जितना जीरा, आप जीरा के जगह पे चाहे तो अजवाइन भी डाल सकते हैं या जीरा अजवाइन दोनों ही डाल सकते हैं। मसाले पापड़ में जो सब डाला जाता है जैसे काली मिर्च वगैरह तो आप डाल सकते हैं, लेकिन वो सब बाद में ऐड करूंगी, कुछ मसाले इसमें बाद में जाएंगे। तो अभी जीरा और हींग और नमक और पापड़ खार 4 चीज इसमें पड़ चुका है। अब जो ये घोल है हमारा तैयार हो चुका है पापड़ बनने के लिए, अभी इसमें ढक्कन लगा के छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। मैदा को कम से कम 10 मिनट का रेस्ट जरूर दीजिएगा, तभी आप इसका पापड़ या कोई भी दूसरा रेसिपी बनाना चाहे तो बनाइए, तभी जाके ये अच्छा बनता है और कड़ा नहीं लगता है खाने में। 10 मिनट के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुका है मैदे को रेस्ट दिलाते हुए, और देखिए इसमें जो जीरा था वो भी अच्छे से फूल गया है और मैदा भी हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, देख पा रहे हैं। तो चलिए अब पापड़ बना के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स पापड़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है पैन, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, भगोना पतीला कुछ भी ले सकते हैं, और इसमें डालना है हमें उसी कटोरी से पानी, 1, 2, 3 ये 4, 5, 5 और 4, 9, पहले 4 कटोरी पानी का इस्तेमाल हो चुका है और इसमें 5 डाली हूं, तो पूरा मिला के 9 कटोरी यानी 9 गुना पानी हमें पापड़ के अंदर डालने हैं, मैदे के पापड़ के अंदर। 1 कटोरी या 1 कप जितना भी आप मैदा लिए हैं उसी बर्तन से आपको 9 गुना पानी डालना है। तो देखिए अभी पानी को क्या करना है कि इसको थोड़ा सा उबलने देना है, हल्का सा पानी को गर्म होने देना है। तो देखिए पानी जो है गर्म हो चुका है, अब इसमें हमें मैदे वाले खोल को डालना है। तो डालने से पहले एक बार इसे मिक्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि तल्ले में ये बैठ जाता है और पानी जो है ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से डालते जाइएगा और मिक्स करते जाइएगा, नहीं तो ये क्या होगा कि अंदर जाके चिपक जाएगा। देखिए इस तरीके से हमें इसको चलाते जाना होगा, और शुरू में अभी थोड़ा सा गैस के आंच को तेज रखिए, और जैसे ही अच्छा सा ये गर्म हो जाए, आपको लगे कि बहुत अच्छा से गर्म हो गया है, तो फिर मीडियम फ्लेम को करके उसके बाद पकाइए। 5 मिनट हमें तेज आंच पे इसको गर्म करना है, उसके बाद 5 मिनट मीडियम आंच करके पकाना है, फिर उसके बाद का 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है। तो कुल पकाने का समय जो है 12 से 15 मिनट तक लग जाता है, तभी जाके ये मैदा बहुत अच्छे से पकता है। कम पका हुआ मैदे से पापड़ बनाएंगे तो वो पापड़ जो है सूखने के बाद फट जाएगा और जब खाएंगे तो वो हार्ड लगेगा, कड़ा लगेगा। तो इसी तरीके से हमें इसको पकाना है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैदा को पकते हुए कम से कम 7 से 8 मिनट हो चुका है, और देखिए ये इतना गाढ़ा हुआ है, ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो अभी के समय में कर देना है बिल्कुल लो फ्लेम, और लो फ्लेम पर इसको पकाइए, जिससे कि मैदा में कोई भी जरा सा भी कच्चापन ना रहे। यदि मैदा में कच्चापन रह जाता है फ्रेंड तो वो पापड़ जो है फट जाता है, और पापड़ को काला होने का आज संभावना नहीं रहेगा, क्योंकि पापड़ को आज मैं कलरफुल बनाने वाली हूँ। तो
तो इसके लिए आप इसमें भर भर के जो भी मसाला डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मसाला डाल के जब हम लोग मैदे से पापड़ बनाते हैं तो थोड़ा सा उसका रंग जो है डार्क हो जाता है, उसका भी टेंशन आज खत्म हो जाएगा इस पापड़ के अंदर। तो क्या करूंगी, आगे आप देखते जाए, देख पा रहे हैं, अभी 2 से 3 मिनट हमें और पकने देना है इसको। बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो फ्रेंड्स आपको बनाने हैं तो आप इसी तरीके से पापड़ को छोड़ सकते हैं उजला ही। और आज मैं थोड़ा सा कलरफुल बनाऊंगी, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें रेड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। रेड फूड कलर देने से हमारा जो मैदा का पापड़ है वो बहुत ही अच्छा देखने में लगेगा। बस थोड़ा सा एक बूंद डालिए, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, और अच्छे से पकने दीजिए कलर को भी। देखिए हल्का सा डाल देने से क्या होता है कि पापड़ सूखने के बाद यदि आप इसे पंखे के हवा में भी सुखाएंगे और थोड़ा रंग इसका बदल जाए तो भी टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि पता नहीं चलेगा ना इसमें कलर डला हुआ है, इसके कारण से ये रेड रेड सा लगेगा। फ्रेंड्स आपको हमारे कोई भी पापड़ की रेसिपी चाहिए तो आप क्या करें, यूट्यूब पर जाए, सर्च करें मी सहेली पापड़ रेसिपी, आपको हर चीज के पापड़ के वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत सारा पापड़ की रेसिपी बना के मैं पहले भी डाल चुकी हूँ, तो आप नए हैं, आपने नहीं देखा है तो जरूर सर्च करके देखें, और जो भी अच्छा लगे आपको उस तरीके से पापड़ आप बना लें। अब देखिए ये गाढ़ा हो चुका है, तो अभी कर देना है गैस को बंद, क्योंकि बहुत ज्यादा गाढ़ा कर दीजिएगा तो ये पापड़ फिर बहुत ही मोटा मोटा बनेगा। अब इसके अंदर डालना हमें थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ लाल मिर्ची, आप इसमें मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो मिर्ची के बिना भी बना सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये ठंडा भी हो चुका है, तो ये पापड़ बनने के लिए तैयार है इसका घोल। देखिए फ्रेंड बहुत ही ज्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है, आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको भी घोल रखना है, और जब इस तरीके का हो जाएगा पकते हुए कम से कम 13 से 14 मिनट तक पकाइए, जब उतना देर पक जाए तो आप इसको उतार सकते हैं। तो चलिए आप पापड़ बना के दिखाती हूँ, फिर आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी, तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, फिर अगले बार आप इस पापड़ को जरूर बनाइए। तो फ्रेंड्स पापड़ बनाने के लिए मैं छोटा सा पॉलीथीन यहाँ पर लेके सिर्फ आपको बना के दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। इसमें थोड़ा सा तेल जरूर लगाइएगा, और वो भी रिफाइंड तेल, सरसों नहीं लगाना है। सरसों तेल लगाने से पापड़ में महक आ जाएगा, पापड़ आपका खराब हो जाएगा जब आप स्टोर करेंगे। तो इसी तरीके से आप बड़ा सा पॉलीथीन को धूप में डालें और फिर इस पे पापड़ बना लें। तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा पापड़ बना सकते हैं, बड़ा पापड़ बना सकते हैं, आपको जैसे भी बनाना है। मैदा को डालिए और थोड़ा सा इसको एक जैसा कर दीजिए, जैसे एक बराबर कर दीजिए ऐसे डाल के, और थोड़ा सा हल्के हाथों से इसे थोड़ा फैलाना है, क्योंकि सूखने के बाद जो है ये काफी छोटा छोटा हो जाता है। इसी तरीके से आपको सारे पापड़ बना लेने हैं। तो फ्रेंड सारे पापड़ को मैं बाहर धूप में बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं आपको 2 पापड़ बना के दिखाती हूँ। तो चलिए पापड़ को बना के डाल देती हूँ, जब सूखता है फिर मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पापड़ सूख के तैयार है, और पापड़ धूप में यदि आप सुखाते हैं तो 2 दिन लग जाएगा फिर भी सूखने में, और पंखे के हवा में यदि सुखाते हैं तो 3 से 4 दिन तक लग जाएगा पापड़ को सूखने में। पापड़ को बहुत अच्छे से सुखाइएगा तभी आप इसे स्टोर कीजिएगा। और मैदे का पापड़ है काफी पतला पतला सा बना है, यदि आपको दूध जैसे सफेद पापड़ की रेसिपी चाहिए मैदे का तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी। तो आप सफेद बनाना चाहते हैं या कलर वाला बनाना चाहते हैं, आप कैसे भी पापड़ बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आपको 1 से 2 पापड़ फ्राई करके दिखाती हूँ। तेल अच्छा से गर्म हो चुका है, अब इसमें डालना है पापड़। देखिए फ्रेंड्स इसका आप साइज देख पा रहे हैं कि पापड़ जो है कितना बड़ा हुआ है फूल के, देखिए, और बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये पापड़ बनके तैयार होता है। तो आप भी जरूर बना के खाएं, वीडियो कैसा लगा हमें भी जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।